बैंगलोर में एक मदरसे के मौलाना को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये मौलाना अलकायदा के संपर्क में था। टीचर को 20 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो मैं आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है बैंगलोर से, जहां एक मदरसे के मौलाना को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि ये अलकायदा के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, अलकायदा के तमाम दिशा निर्देशों पर ये काम कर रहा था और खास तौर पर युवाओं को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश कर उनको आतंकवाद की तरफ धकेलने का की जिम्मेदारी इस मौलाना के कंधे पे थी और इसी कारण इसको गिरफ्तार किया है और इसको 5 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि अलकायदा से जुड़े एक और शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है बेंगलोर से। बेंगलोर में एक मदरसे के मौलाना के तौर पर यह काम कर रहा था और वहां अपनी शिक्षा के जरिए ये जो अलकायदा की आइडियोलॉजी है उसको वहां के युवाओं पर थोपता था और युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन पर आइडियोलॉजी अलकायदा की थोपकर उनको आतंकवाद की तरफ धकेलने की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। हालांकि इस बात की अभी छानबीन की जा रही है कि क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, क्योंकि बेंगलोर हमारे यहाँ एक आईटी हब के तौर पर जाना जाता है और वहाँ की जो तमाम लोकेशंस हैं उन सब लोकेशंस का क्या इसने रेकी की है, उससे जुड़ी क्या तमाम जो जानकारी है, तमाम जो गुप्त सूचनाएं हैं क्या अलकायदा नेटवर्क को इसके जरिए भेजी गई हैं या नहीं भेजी गई हैं, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बेंगलोर में लंबे समय से अलकायदा के लिए काम करने वाले आखिर इस मौलाना का मकसद क्या था और इसके संपर्क में अभी कितने ऐसे युवा हैं जो थे जिनको ये अलकायदा की आइडियोलॉजी जिनके ऊपर थोपने का एक काम कर रहा था, जिनको बरगला रहा था, जिनको आतंकवाद की तरफ भेजने का काम कर रहा था और कितने लंबे समय से ये अपने मिशन में लगा हुआ था, और यदि बहुत लंबे समय से अपने मिशन में लगा हुआ था तो जाहिर तौर पर सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके अपने पर्सनल नेटवर्क में बेंगलोर के बहुत से युवा भी मौजूद होंगे।